हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास, प्राइस बाबा से। और आजकल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बड़े अलग अलग टाइप के फोन आ रहे हैं। एक में पॉपअप कैमरा होता है तो किसी में अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। अब अप्रैल में दो फोन आने वाले हैं जिसमें एक में आपको चार कैमराज मिलेंगे और एक में पाँच। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फोन लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में अप्रैल के महीने में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नोकिया ने अपना नाम बना लिया है और नोकिया का फोन नोकिया 9 प्योर व्यू इंडिया में अप्रैल में लॉन्च हो सकता है। इस फोन में आपको 12 मेगापिक्सल के पांच कैमरास मिलते हैं। हुआवे ने हुआवे P30 और हुआवे P30 प्रो को लॉन्च कर दिया है। ये दोनों फोन कैमरा सेंट्रिक हैं और हुआवे P30 में आपको 30x तक जूम का ऑप्शन मिलता है और हुआवे P30 प्रो में आपको 50x तक का जूम का ऑप्शन मिलता है। ये दोनों फोन मिड अप्रैल में इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। अगला फोन है Realme 3 Pro। Realme 3 Pro के बारे में काफी कुछ न्यूज आ रही है कि ये फोन भी अप्रैल में लॉन्च हो सकता है, बट इसके स्पेसिफिकेशंस और कैमरा के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। Realme 3 एक काफी अच्छा फोन था दिखने में भी एंड स्पेसिफिकेशन वाइज भी, तो हो सकता है Realme 3 Pro इससे भी ज्यादा बेटर हो और अपग्रेडेड वर्जन हो। Samsung इंडियन मार्केट को लेकर काफी एग्रेसिव हो गया है। अभी थोड़े टाइम पहले ही उसने अपनी M सीरीज लॉन्च करी, अभी S सीरीज लॉन्च कर दी और अब वो जल्दी A सीरीज भी लॉन्च करने वाला है। इसमें A20, A40, A60, A70 और A90 फोन हो सकते हैं। और साथ में ये भी सुनने में आया है कि जो सैमसंग का A90 फोन होगा वो सैमसंग का फर्स्ट पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला फोन हो सकता है। वीवो भी हमेशा से इंडियन मार्केट को लेकर काफी एग्रेसिव रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले ही उसने वीवो A15 प्रो लॉन्च किया, फिर वीवो A15 लॉन्च किया और अब वो वीवो S1 भी लॉन्च करने वाला है। ये फोन दिखने में एकदम वीवो A15 जैसा ही होगा। इतने सारे लॉन्चेस के बाद Xiaomi कैसे पीछे रह सकता है? Xiaomi का Redmi 7 अप्रैल में ही इंडिया में लॉन्च हो सकता है और इसके अलावा Vivo, Vivo Y3 और Vivo Y5 को भी लॉन्च कर सकता है। ये थे कुछ फोन जो कि अप्रैल में इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। दिस इज प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।